हेलमेट से कैमरा निकालना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि केरला में जो है ना बैन किया गया है। बाकी से एनीथिंग इन मलयालम ना, बहुत धूप आता है ना। सो ओके गाइस, फिलहाल आपका भाई यहाँ पे पहुँच चुका है कन्याकुमारी, लास्ट यहाँ से आगे रास्ता नहीं है, ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली गुड। तो यहाँ पे भाई लोग भी मिले हैं, से हेलो टू एवरीवन। हेलो इन तमिल, इन तमिल वणक्कम वणक्कम। हाँ वणक्कम, ठीक है कन्याकुमारी। या तो चलिए फिर यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ से निकल जाऊँगा टुवर्ड्स केरला, आई थिंक 350 किलोमीटर है यहाँ से मैं आ जाऊँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ब्लॉग शूट करते हैं, उसके बाद चलते हैं, गर्मी बहुत है यार। तो यहाँ पे आके हम लोग नहा भी सकते हैं, और आगे है जो रॉक दिख रहा है, तो गाइस उसका नाम है विवेकानंद रॉक, और आगे टेम्पल है, और इधर भी छोटा सा टेम्पल है बैठने के लिए, और आगे खाने पीने का सामान है। बाकी आप लोग को समुद्र बहुत दिखा दिया ना, थोड़ा आगे का लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आया था मैं मीट एंड ईट फैमिली रेस्टोरेंट। तो बहुत गर्मी है यार कन्याकुमारी में। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ तो मुन्नार के लिए, केरला मुन्नार। बहुत टाइम से इंतज़ार था भाई, 2 साल से वेट कर रहा था केरला केरला केरला, फाइनली भाई का टाइम आ गया है। अब भाई केरला, भाई सब आप लोगों को क्या दिख रहा है? मेरे को तो नारियल के पेड़ दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये देखो। तो अभी भाई साहब मैं जा रहा हूँ केरला की तरफ, और बीच में रास्ता ऐसे पड़ता है ना, कितना खूबसूरत रास्ता है, इतना अच्छा विलेज है, और बिल्कुल साइड में है समुंदर जो कि इधर से नहीं दिखाई देगा। चलो आप लोग को दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे पानी ज़्यादा ना हो। देखा ये देखो, यह पड़ता समुंदर, ये सामने समुंदर, ये आगे नहीं जाऊंगा, नहीं मेरा पूरा फंस जाएगा, टायर फंस जाएगा भैया। तो दारू वारू पी ले लोग, पार्टी चल रहा है, मेरे को तो आगे जाना चाहिए। आप वन वे क्या सकते हैं, अरे हम कहाँ आ चुके हैं इतनी भीड़ में। रास्ता में आया हूँ ना मैं, हाँ रास्ता तो सही है। भाई साहब हम, भाई साहब मैं घुस चुका हूँ केरला, अभी गोप्रो को निकालते हैं और जेब में डालते हैं। एक मिनट थोड़ा आगे रोकता हूँ यार, तो जगह नहीं मिलता ना रोकने के लिए, बहुत दिक्कत होता है। तो आपका भाई पहुँच चुका है त्रिवनंतपुरम केरला, ठीक है। तो अभी जस्ट भाई ने मुंह धोया थोड़ा सा, तो यहाँ पे मेरे को हेलमेट से कैमरा निकालना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि केरला में जो है ना बैन किया गया है। बाकी पता नहीं, ठीक है रिस्क नहीं लेना है मेरे को। अभी मैं बिल्कुल हाईवे में हूँ, यहीं पे अभी मुंह धोया मैंने, ठीक है। तो आगे ऐसा कुछ रोड है। सो आई एम टेलिंग यू गाइस दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन केरला। तो भाई साहब केरला एंट्री करते ना रास्ता इतना अच्छा है ना, डिफरेंट वाइब्स आता है, बाकी डिफरेंट वाइब्स इन केरला, बहुत अच्छा लगा एंट्री। तो अभी आगे के जाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो फिलहाल तो अभी बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर, आवाज़ भी बहुत आ रही होगी आप लोग को, बट कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे जाएंगे और अच्छा ब्लॉग बनते जाएगा। सो हेलो गाइस, भाई ने आज ये ऑर्डर किया शवरमा, ठीक है 100 वाला, बोलता पेट भर जाएगा इससे, और भैया ने बनाया है यहाँ पे, छोटा सा शॉप है और भाई यहाँ पे है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ कोटियम के लिए, ठीक है। एंड अब खाके टेस्ट करके देखते हैं भैया ने बनाया है, और यहाँ पे देखो सैलड भी दिया है, ये वो है ना क्या बोलते हैं, हाँ उसमें डूबा हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको, विनेगर, विनेगर में ना, या विनेगर में डूबा हुआ। अब खाते हैं और बताते हैं भैया को कैसा है। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12, तो मैं नाइट राइड कर रहा था लेकिन बीच में बारिश हो गया,
तो आज रुकने का वो प्लान नहीं था, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह भी नहीं है जहाँ पे मैं टेंट लगा सकूँ। बट अभी मामला कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही है अभी, अभी यहाँ पे बैठा हूँ। छोटा बना हुआ है वहाँ पे बैठा। कैसा कैसा एक्सपीरियंस फेस करने को मिलता है। कूल, इट्स कूल, अच्छा है, सब चलता लाइफ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केरला। तो भाई साहब कल रात का ना सीन बहुत बुरा था, बहुत बारिश हुआ, पूरा गीला हो गया। देखो मैंने राइडिंग जैकेट भी चेंज कर दिया। तो अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, ब्रेड, ये अच्छा बोलते केरला का ब्लैक कॉफ़ी, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा है, पी के बताता हूँ कैसा है। इट्स वेरी, क्या बोलते हैं उसको, कौड़ा है लेकिन चलेगा सुबह सुबह। सुबह सुबह खाने के लिए कुछ मिला नहीं तो ब्रेड से काम चलाना पड़ेगा। और अभी भी बारिश हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा, बस आज बारिश ना हो नहीं तो मुश्किल हो जाएगा पूरा। अब इतना भयंकर वाला बारिश है ना, रेनकोट भी काम नहीं करता है। और दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गया लग रहा है मेरे को, मुश्किल है यार। अब देखो यहाँ सिचुएशन कैसा है, पूरा गीला हो गया तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है कि थोड़ा हवा लगे और सूख जाए ये। रात में तो भाई मैं एक दुकान में काट लिया पूरा, होटल लेने का कोई सीन ही नहीं हुआ क्योंकि इतना भयंकर वाला बारिश हो रहा था ना, कहीं जाने का कोई नहीं था। गाइस राइट नाउ आई एम गोइंग टू ईट वड़ा, ठीक है, केरला वड़ा बोलते हैं, बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। अरे ये कैमरा रखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ये देखो वेरी बिग गा, इट्स लाइक क्या बताऊँ, बड़ा वाला भाजा भाजी, इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स है और अच्छा भी होता है खाने के लिए सुबह सुबह, इट्स वेरी लाइट। एक वड़ा होता है दूसरा जो आप सोच रहे, ये दूसरा है अंकल, ये वड़ा ही है ना, वड़ा उडली वड़ा, सॉरी नेम इज उडली वड़ा, इट्स वेरी टेस्टी है, मज़ा आ गया। सो गाइस अभी मैं हूँ पाला, तो यहाँ पे देखो क्लॉक, क्लॉक हाउस कितना बड़ा है और साथ में चर्च ही है, और हियर इज माई एप्रिलिया। सो राइट नाउ आई एम विथ केरला एडमिन, सो हियर इज, आपका नाम भी बता दो। बिल्स, या बिल्स फ्रॉम केरला, एडमिन ऑफ केरला राइडर ग्रुप, टैग टैग टीम, सॉरी टैग, ये देखो केरला सेड। तो अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ पाला, तो यहाँ से मैं अभी निकल जाऊँगा मुन्नार की तरफ। सो अभी थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं, बाइक से बात करते हैं, एंड एप्रिलिया। हाय हाय, से एनीथिंग इन मलयालम ना। या मलयालम बिकॉज़ आई एम अ तमिल हिम। तमिल, यू आर तमिल? या आई एम अ तमिल। या you is all tamil, okay. Vanakkam. Yeah, vanakkam. Yeah, it's our property, ng regency. Yeah. It is situated in the center of our Munnar. Anybody can just you can contact this guy, look like a Bob Marley. Bob Marley. Yeah, he is a good one of the best singer in the world. Yeah, bar. Yeah. Beards little bit long. Long. That will be like a properly. Yeah. Oh yeah. Yo. Ganja, ganja. So final guys, I reached Munnar. ठीक है, रास्ते में मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप लोग को पता है हेलमेट कैमरा इज नॉट अलाउड इन केरला, बिकॉज आपको पता है बैन है। तो आने के टाइम सारा कुछ मैंने देखा, क्या सिस्टम है, पुलिस वाले कहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मैं जाने के टाइम जो मुन्नार से वापस जाऊँगा मैं गोवा की तरफ, तब ब्लॉग शूट करूँगा। तो आज तो मैं होटल पहुँच गया हूँ, कल का दिन मैं एक्सप्लोर करूँगा मुन्नार, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा क्या है यहाँ पे, क्या देखने लायक है। तो आज के वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे राइट, खुश रहना, मजे करना और लाइफ में चिल करना। तो फिर मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में।